भारी हथियारों से यूक्रेन में जमकर तबाही मचा रखी है। यूक्रेन भले ही नाटो देशों से मिल रहे हथियारों के दम पर रूस को कड़ी टक्कर देता आ रहा है, मगर रूसी हथियारों के सामने अभी भी यूक्रेन काफी पीछे है। रूस के खतरनाक हथियारों के आगे यूक्रेन के हथियार अब तक नाकाफी रहे हैं। रूसी हथियार अब भी यूक्रेन पर भारी पड़ रहे हैं। यूक्रेन के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जो रूस के भीषण हथियारों को रोक सके। दावा है कि रूस ने अपने कई हथियारों से राजधानी कीव पर सबसे ज्यादा हमले किए हैं। इस बीच रूसी राज्य निगम रोस्टेक ने अपने लाइट मल्टीपर्पज गाइडेड रॉकेट को लेकर बड़ा दावा किया है। रूस जिसे इसरेलिया 305 या प्रोडक्ट 305 भी कहता है, बताया जाता है कि यूक्रेन में इस मिसाइल ने अपना बखूबी प्रभाव छोड़ा है। मिसाइल दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम का मुकाबला करने में काफी असरदार साबित हो रहा है। रूसी मिसाइल लगातार यूक्रेन में अपने टारगेट्स को भेज रही है। मिसाइल की एक महत्वपूर्ण खूबी हस्तक्षेप और इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध के खिलाफ हाई लेवल की सेफ्टी देना है। रोस्टिक के मुताबिक आज तक जंगी मैदान में लाइट मल्टीपर्पज गाइडेड रॉकेट की काट नहीं निकल पाई है। मिसाइल कई मोड में काम करती है जिसमें फायर एंड फॉरगेट ताकत भी शामिल है। इस मोड में मिसाइल का होमिंग सिस्टम हेलीकॉप्टर पर लगे रहने के दौरान ही टारगेट पर लॉक हो जाता है, जिसे लॉन्च के बाद यह काम कर सकता है। दूसरा रिमोट कंट्रोल मोड में, जिसमें मिसाइल को खास पॉइंट से लॉन्च किया जाता है, जैसे यह टारगेट के करीब पहुँचता है होमिंग सिस्टम एक्टिव हो जाता है। रोस्टिक ने बताया कि यूक्रेन संघर्ष के दौरान मिसाइल के कंट्रोल चैनल को एक बार फिर दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की ओर से दबाया नहीं गया है। यह ताकत मिसाइल को लगातार सटीक हमला करने की अनुमति देती है, जिससे यह रूस के हथियारों के जखीरे में सबसे सफल गाइडेड मिसाइल में से एक बन गया है। इसरेलिया 305 मिसाइल का इस्तेमाल रूस के Mi-28NM और K-52M अटैक हेलीकॉप्टर से होता है। इसमें स्नाइपर जैसी सटीकता के साथ एक शक्तिशाली वारहेड है जो दुश्मन के कई ठिकानों को निशाना बना सकता है। मिसाइल को बख्तरबंद वाहनों, कीलबंदी, पील बॉक्स और यहां तक कि जलयानों को तबाह करने के मकसद से डिजाइन किया गया है। लाइट मल्टीपर्पज गाइडेड रॉकेट यानी इसरेलिया 305 रूस का सबसे ताजा एंटी आर्मर हथियार है। इसको मॉस्को बेस्ड डिफेंस कंपनी बनाती है, जो इस्कंदर, स्टूरम, अताका और इग्ला समेत कई मिसाइल सिस्टम पहले से तैयार कर चुकी है। 331 पाउंड वजनी LMUR मिसाइल रूसी हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाले एंटी टैंक मिसाइलों से भारी है, जो आमतौर पर उनके वजन से आधी होती है। इसकी रेंज 9 मील तक है, जो बाकी तुलनीय रूसी एंटी टैंक हथियारों की दूरी से दुगनी है। इसकी बढ़ी हुई रेंज दूर के टारगेट्स को भेदने में भी काफी कारगर रहती है। ऐसा दावा है कि इस मिसाइल का यूक्रेन में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है। प्रत्येक मिसाइल की कीमत लगभग 14.2 मिलियन रूबल बताई जाती है।